थिंक इस फिल्म के लिए जो रिएक्शन थिएटर से आता है हॉरर को लेकर, इट्स अ वेरी आई थिंक ऑनेस्टली जब एक सिंगल स्क्रीन में जाते हो, और मैं अक्सर हर फिल्म में जाता हूँ फिल्म के रिएक्शन देखने के लिए, इस फिल्म में बहुत स्ट्रांग है बिकॉज हॉरर एलिमेंट्स जो होते हैं आई थिंक एक बहुत ही इन्हेंस रिएक्शन आता है हॉरर हो या कॉमेडी हो. सो इट्स फैंटास्टिक. आई थिंक इट्स समथिंग टू बी सीन टू बी बिलीव्ड. एक सिंगल स्क्रीन में आके इस फिल्म को देखना, इट्स वेरी नाइस. आई थिंक जिस दिन मैं गाना गाऊंगा और पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, तो आई लीव द सॉन्ग्स एंड द सिंगिंग टू द सिंगर्स हु हैव गॉट अ ग्रेट वॉइस. देखिए, मेरा कोई ड्रीम रोल या ड्रीम फिल्म होती नहीं है. इन अ सेंस कि राज बिकेम माय प्रोजेक्ट व्हिच आई वांटेड टू गिव एवरीथिंग. मुझे पता नहीं होता है कि स्क्रिप्ट में क्या होगा. जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है तो जब मैं रीड करता हूँ, कैरेक्टर को कहीं उसमें घुसता हूँ, तो पता चलता है कि ठीक है, आई वॉन्ट दिस टू माई ड्रीम प्रोजेक्ट. तो ऐसा कुछ फिक्स्ड दिमाग में नहीं है कि अभी इसके बाद मैं एक्शन पिक्चर करूंगा या कॉमेडी करूंगा. राज एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो विक्रम भट्ट साहब मेरे पास लेके आए थे, शगुफ्ता लेके आई थी, एंड आई फाउंड इट हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल फिल्म एंड आई डिड इट.